नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, कल बिहार के किशनगंज से एक बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही दुखद खबर सामने आई, जहां के टाउन थाना अध्यक्ष को मॉब लिंचिंग की घटना में मार दिया गया। दरअसल किशनगंज के सटे हुए सीमावर्ती इलाके से यानी कि बंगाल में पहुंच जाने के बाद मॉब लिंचिंग की घटना हुई और उसमें थानेदार की हत्या कर दी जाती है। अब इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है पुलिस विभाग की तरफ से। इस एक्शन में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, किन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है वहां से भागने के आरोप में, सभी के डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लेटर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि लूटे गए मोटरसाइकिल की बरामदगी और अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस निरीक्षक अश्विनी कुमार, थानाध्यक्ष किशनगंज थाना, पुलिस निरीक्षक मनीष कुमार, अंचल निरीक्षक किशनगंज, सिपाही 465 राजू सहनी, सिपाही 27 अखिलेश्वर तिवारी, सिपाही 551 प्रमोद कुमार पासवान, सिपाही 265 उज्ज्वल कुमार पासवान, सिपाही 525 सुनील चौधरी, सिपाही 534 सुशील कुमार छापेमारी के लिए पंतापाड़ा थाना ग्वालपोखर ओपी पंजीपाड़ा पहुंचे, जहां पर अभियुक्त के रिश्तेदारों और करीब 500 व्यक्ति जुटकर छापेमारी दल पर हमला कर चुके थे। इस घटना में पुलिस निरीक्षक मनीष कुमार, अंचल निरीक्षक किशनगंज, सिपाही 465 राजू सहनी, सिपाही 27 अखिलेश्वर तिवारी, प्रमोद कुमार पासवान, उज्ज्वल कुमार पासवान, सुनील चौधरी, सुशील कुमार अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले, लेकिन पुलिस निरीक्षक अश्विनी कुमार, थानाध्यक्ष किशनगंज को भीड़ द्वारा पकड़ लिया गया और निर्ममता से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना में पुलिस निरीक्षक मनीष कुमार, अंचल निरीक्षक किशनगंज, सिपाही 465 राजू सहनी, अखिलेश्वर तिवारी, प्रमोद कुमार पासवान, उज्ज्वल कुमार पासवान, सुनील चौधरी और सुशील कुमार द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन विवेकपूर्ण ढंग से किया गया होता तो संभवतः ये घटना नहीं घटती। इस कृत्य में प्रथम दृष्टया इन लोगों की लापरवाही परिलक्षित होती है, इसलिए लापरवाही के लिए पुलिस निरीक्षक मनीष कुमार, अंचल निरीक्षक किशनगंज राजू सहनी, अखिलेश्वर तिवारी, प्रमोद कुमार पासवान, उज्ज्वल कुमार पासवान, सुनील चौधरी, सुशील कुमार को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन सबों का मुख्यालय पुलिस केंद्र किशनगंज होगा। तो बड़ी कार्रवाई की गई है इस बार इस मामले में और पूर्णिया रेंज के आईजी के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है जिसमें इन सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है जो उस वक्त की घटना मॉब लिंचिंग की घटना से डर कर भाग निकले थे, जिसके बाद थाना अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। तो बड़ी खबर और बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से इस मामले में निकलकर सामने आई है। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।